सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हाय एवरीवन, आज हम जनरल साइंस में जो हमने ह्यूमन बॉडी की सीरीज स्टार्ट करी हुई है इसका थर्ड पार्ट करेंगे। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ब्लड। ब्लड जो है ना, ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके ऊपर हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस तो पक्का होते ही होते हैं। तो ये वीडियो आज आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं या फिर रुधिर भी कह सकते हैं, आपको जो समझ में आए आप इसे बोल सकते हैं। ब्लड होता क्या है? एक बॉडी फ्लूइड होता है इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन या फिर मिनरल्स होते हैं और या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बॉडी में ट्रांसफ़र करवाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। देखिए, ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड इन अ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स दैट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल एंड ट्रांसपोर्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स। इसके अलावा जो ब्लड है इसमें दो पार्ट्स में होता है, ये ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जो कि ब्राइट रेड होता है। ब्राइट रेड मीन्स कि थोड़ा रेड कलर में थोड़ी सी शाइन होना, चमक होना। इसके अलावा जो सेकेंड टाइप होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती है, और ये वाला ब्लड बहुत ही डार्क रेड होता है या फिर मेहरून कलर में होता है। इसके अलावा अब ब्लड के कुछ मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। ब्लड वाले टॉपिक में सबसे पहले मैंने कुछ नोट्स की फॉर्म में पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके बाद में इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। अब पीएच ऑफ ब्लड देखिए, ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.4। जो पीएच है, पीएच का मतलब यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन है। पीएच पेपर में एसिड भी होते हैं, बेस भी होते हैं एंड न्यूट्रल भी होता है। 7 से जो ऊपर होते हैं लाइक 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये एसिड होते हैं, और 7 जो नंबर होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन एंड एसिड का मतलब होता है अम्ल। इसके बाद में 7 से नीचे जो नंबर्स होते हैं वो बेस होते हैं, मीन्स की क्षार। इनका टेस्ट जो होता है वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। अम्ल जो होते हैं एसिड्स, वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पीएच, अभी मैंने आपको बता दिया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद में बोला जाता है कि जो ब्लड है, ब्लड हमारा संयोजी ऊतक है, इट मीन्स कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि जो हमारी सेल्स हैं उनमें ये फ्लो कर रहा है, ये पार्ट्स को जोड़ के रखता है, मीन्स कि एक ऊपर हेड से लेके नीचे तक टो तक आपके ब्लड पूरा ट्रांसफर होता रहता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। अब जो रुधिर है, मीन्स कि जो ब्लड है, वो एक नेचुरल कोलॉइड है। कोलॉइड हमारा केमिस्ट्री में बहुत डीपली है 11th में, बट अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कोलॉइड होता क्या है। तो कोलॉइड का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप फिल्टर करते हैं, उसके बाद में कुछ उसमें बचता है। आप ये नहीं बोलेंगे जैसे कि आपने चाय बनाई है तो चाय छाना तो ऊपर टी लीव्स रह गए और नीचे जो लिक्विड वाला पोर्शन था वो आ गया, इस टाइप से नहीं। मीन्स कि सेम जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल दूध है, दूध में थोड़ी सी मलाई आ जाती है, जब आप दूध को छलनी में छानते हैं तो जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो नीचे गिर जाता है और थोड़ी बहुत जो मलाई रहती है वो छलनी में या फिर कपड़े में ही रह जाती है। इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कोलॉइड कहते हैं। तो ब्लड एक उसी टाइप का कोलॉइड है, मीन्स कि आप इसको प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में भी नहीं बोल सकते हैं, ये सेमी लिक्विड में होता है और इसीलिए इसको फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, स्टडी ऑफ ब्लड, जो ब्लड की स्टडी है उसको क्या कहते हैं, तो उसे हीमेटोलॉजी कहते हैं। अब अमाउंट ऑफ ब्लड देखिए कि फीमेल बॉडी में और मेल बॉडी में कितना कितना ब्लड होता है।
फीमेल बॉडी में 5 लीटर्स होता है एंड मेल बॉडी में 5.5 लीटर्स होता है। अब जो ये ब्लड का अमाउंट है फीमेल में मेल के कंपैरिजन में 0.5 लीटर ब्लड कम होता है। अब वजह देखिए क्यों होता है ऐसा, तो जो ब्लड है ये जो फीमेल्स होती हैं इनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन कम होता है इस वजह से आरबीसीज कम बनती है, मींस जो रेड ब्लड सेल्स हैं लाल रक्त कणिकाएं हैं वो कम बनती हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल बॉडी है उसमें ब्लड कम होता है और मेल में 0.5 लीटर ब्लड ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फीमेल बॉडी में मेल बॉडी के कंपेरिजन में कितना ब्लड कम होता है, तो आंसर आएगा 0.5 लीटर। अब इसमें देखिए लेस ब्लड मीन्स लेस आरबीसी एंड देयरफॉर लेस हीमोग्लोबिन। अगर ब्लड कम है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, अगर ब्लड कम है तो आरबीसीज कम होंगी, मीन्स की लाल रक्त कणिकाएं कम होंगी, जिस वजह से हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड का अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारी चीजें अभी आपने देखी, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ब्लड है वो कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है। तो ब्लड अगर अडल्ट्स की बात करें, मीन्स कि जो अडल्ट्स होते हैं, यंग जनरेशन है या फिर ओल्ड एज है, मीन्स जो अडल्ट्स में आते हैं एक पर्टिकुलर एज से ज्यादा, उसमें जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो की हिंदी होती है अस्थि मज्जा। इट मीन्स कि जो हमारी बोन्स होती हैं उनके बीच में ना जगह खाली होती है जहाँ पे जो ब्लड है उसकी फॉर्मेशन होती है। बट अगर बहुत छोटे बेबी की बात करें, मीन्स कि जो अभी तक बाहर आया ही नहीं है, अभी वो फोटस में ही है, तो उसमें जो ब्लड है मीन्स कि बर्थ से पहले जो ब्लड है वो कहाँ पे बनता है, तो वो एम्ब्रियो में बनता है। वो उस बेबी को या उस सीड को एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, जिसमें ब्लड लिवर में बनता है। क्योंकि जो बहुत छोटे होते हैं वो, क्योंकि उनका अभी बर्थ भी नहीं होता है तो उनमें इतनी बोन्स नहीं होती हैं, और अगर उनमें बोन्स होती भी हैं तो वो हार्ड नहीं होती हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट बोन्स होती हैं, तो इसलिए उनमें बोन्स, उनमें ब्लड बोन मैरो में नहीं बनके लिवर में बनता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए अडल्ट में बोन अडल्ट में ब्लड कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में बनता है, और एम्ब्रियो भ्रूण मीन्स कि जो 9 महीने का या उससे भी छोटा बच्चा होता है तो उसमें ब्लड कहाँ बनता है, तो आंसर होगा लिवर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है HB, ये भी आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है HB, HAEM, जो स्टार्टिंग वाला। हीमोग्लोबिन दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो हेम और एक ग्लोबिन। हेम का मतलब होता है आयरन, मीन्स की लोह तत्व, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अब जो हीमोग्लोबिन है ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, मीन्स कि इसमें लोहा होता है, आयरन के लिए सिंबल Fe होता है, जो कि हमारी रेड ब्लड सेल्स मीन्स की RBCs में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो सेल्स को रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होती है, अमाउंट कितना होता है, मेल में 13.5 to 17.5 ग्राम डेसीलीटर होता है। DL मीन्स की डेसीलीटर, जिसमें हीमोग्लोबिन को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट फीमेल में ये 12.0 to 15.5 ग्राम डेसीलीटर होता है, ये अप्रॉक्स में वैल्यू है। तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि ब्लड का अमाउंट मेल और फीमेल में कितना है और दोनों में डिफरेंस कितना आता है। तो फीमेल में सिर्फ 0.5 लीटर ब्लड का डिफरेंस आता है। अब इसके अलावा, अब जितना हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड डू नॉट कोएगुलेट इनसाइड द बॉडी और इन अ ब्लड वेसल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मीन्स कि जो हमारा ब्लड है वो कोएगुलेट नहीं होता, जमना स्टार्ट नहीं करता हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड वेसल्स में, तो ऐसा किस वजह से होता है। आंसर है हेपरिन। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो जमता नहीं है। इसका हेपरिन का जो इंजेक्शन है वो हार्ट अटैक के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर ब्लड हमारा जमने लग गया तो हमारी डेथ हो सकती है। इस वजह से कि ब्लड जमे ना, इसलिए ये जो सब्सटेंस है इसका इंजेक्शन दिया जाता है। अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम थोड़ी बहुत चोट अगर हमें लग जाती है तो जो ब्लड बाहर आता है
तो वो अपने आप क्वैगुलेट होने लग जाता है, जम जाता है, तो वो विटामिन के की वजह से होता है। तो इस वजह से कि ये ब्लड जमे ना, इसलिए हेपरिन का इंजेक्शन यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। जो ब्लड प्रेशर है उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है? कि आपने सुना है कि जो ब्लड प्रेशर है किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है, बीपी जिसको बोलते हैं, तो ये किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मापा जाता है? इसे स्पाइगोमैनोमीटर कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं रक्त दाब मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो ब्लड है उसका रेड कलर किस वजह से होता है? तो आंसर होगा आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से, ये एक रेड कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? तो आंसर है ब्लड। न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? सो आंसर होगा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया वाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से होता है। कौन सी डिजीज से किस से क्या इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है, कौन सी डिजीज से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ये इन सब के लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज़ पहले वाली वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेटल इज प्रेजेंट इन आर ब्लड। हमारे ब्लड में कौन सी धातु प्रेजेंट है या कौन सा मेटल प्रेजेंट है? तो आंसर है आयरन। आयरन का सिंबल होता है Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या? 120/80। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली पार्ट ऑफ बॉडी वेयर नो ब्लड इज फाउंड। हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे ब्लड नहीं पाया जाता है? तो आंसर है आई। आई में जो कॉर्निया पार्ट है वहाँ पे ब्लड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग? कौन सा प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे प्रोटीन पूछा गया है। अगर प्रोटीन पूछा जाता है तो आंसर होगा फाइब्रिनोजन, और अगर आपसे विटामिन पूछा जाता है तो विटामिन के होगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ब्लड? ब्लड होता क्या है? एक फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ब्लड से रिलेटेड, किस टाइप से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और इसके अलावा ब्लड पे मैं आगे 2-3 वीडियोस और लेकर आऊँगी, जिसमें ब्लड का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम में आते हैं उसके बाहर से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।